इटावा सर्वप्रिय समाज पार्टी की विशाल बैठक हुई। इटावा सर्वप्रिय समाज पार्टी की विशाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के जिला अध्यक्षों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आने वाले 2019 के चुनाव में प्रत्याशी मैदान में उतार कर विरोधी पार्टियों को अपनी ताकत दिखाकर जीत हासिल करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सक्सेना जी का कहना है, हमारी पार्टी आने वाले चुनाव में एक विशाल एजेंडा को लेकर उतरेगी, जिसमें सभी समाज को लेकर चलेगी और गरीबों से लेकर दबे कुचले किसान और समाज के लिए हर समय साथ खड़ी रहेगी। आए दिन गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार के लिए किए गए दावे पूरी तरह फेल हो गए। जनता आज नरक की जिंदगी जीने को मजबूर है। अध्यक्ष जी का कहना है, सर्वप्रिय समाज पार्टी हर समय जनता की मदद के लिए हर समय तैयार खड़ी रहेगी। सर्वप्रिय समाज पार्टी की विशाल बैठक में प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें प्रद्युम्न चौधरी को इटावा बड़पुरा ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सक्सेना जी, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नामदेव, जिला मीडिया प्रभारी सौरभ चौहान, जिला अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंह पार्टी संयोजक द्वारा बैठक संपन्न हुई।